हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्यू लाइंस के ऊपर बात करेंगे, वो थ्योरम को समझ लेंगे और फिर हम इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स लें। करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद स्क्यू लाइंस। अब देखो स्क्यू लाइंस क्या होती है। उससे पहले अगर इस स्पेस के अंदर कोई लाइंस है, दो लाइंस है, और अगर वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता, जीरो। ये पॉइंट समझ लेना, बराबर है। मतलब स्पेस के अंदर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है ऐसे स्पेस के अंदर, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता, जीरो होता, बराबर है। और अगर समझ लो स्पेस के अंदर दो लाइन्स है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं होती है और एक दूसरे को पैरेलल भी नहीं है, एंड दैट टू लाइंस आर नॉन कोप्लानर है, बोले तो वो एक प्लेन में लाए नहीं होते, अलग अलग प्लेन में लाए होते, उसको बोलते हैं नॉन कोप्लानर। तो वो लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, करेक्ट। अब देखो यहां पे जो कंसेप्ट बताया गया है, अब यहां पे ये डायग्राम समझ लीजिए। ये डायग्राम में ये जो अपनी सीपी लाइन है, कौन सी लाइन, सीपी लाइन, ये सी एस पी आर, ये प्लेन में से पास हो रही है, बराबर है। कौन सा लाइन, सीपी लाइन, मतलब टॉप प्लेन बोल सकते हैं आप। और ये वाली जो लाइन है एस क्यू, ये लाइन डायगोनली कौन से प्लेन से एक्ट हो रही है, एस ए क्यू पी, इसके डायगोनल से ये जा रही है, मतलब ये फ्रंट प्लेन से है। मतलब ये जो दोनों लाइन है, ये जो लाइन सीपी है वे ऊपर की प्लेन के डायगोनल से जा रही है, सीपी लाइन, और ये एसक्यू लाइन ये वाला जो प्लेन है उसके डायगोनल से जा रही है। दोनों लाइन अलग अलग प्लेन से पास हो रहे हैं, करेक्ट। और अलग अलग प्लेन से पास हो रहे बोले तो वो नॉन कोप्लानर है, बराबर है। मतलब दीज टू लाइन्स आर सॉरी दीज टू लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड नॉट पैरेलल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस, करेक्ट। अब देखो ए पेयर ऑफ लाइंस इन स्पेस विच नाइदर इंटरसेक्ट, क्या होते हैं, दोनों इंटरसेक्ट होते नहीं है नॉर पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है, तो उसको क्या बोलने का, स्क्यू लाइंस। समझ गए होंगे कि ये दो लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लानर, क्या रहता है, नॉन कोप्लानर, ये बात समझ लेना। दूसरी बात, अगर एक प्लेन में दो लाइन होंगे ना, कभी भी याद रखो, अगर एक प्लेन के अंदर दो लाइंस है तो वो एक तो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, नहीं तो इंटरसेक्ट हो जाएंगे, बराबर है, ये पक्का समझ लेना। वैसे इसमें लिख के भी दिया है, आप बातें एक बार ध्यान से पढ़ लेना। द लाइन इन द सेम प्लेन आइदर इंटरसेक्ट और पैरेलल, आइदर इंटरसेक्ट और पैरेलल, करेक्ट। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस अगर आपको निकालना है तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस कैसे निकालते हैं, मतलब वो दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसे बोलते हैं इसको। ये डिस्टेंस जो हम निकालते हैं वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है, दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो देखो, उसके लिए वो समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां पर ये एक स्क्यू लाइन है, यहां पर एक दूसरी स्क्यू लाइन है, और आपको ये दो स्क्यू लाइंस के बीच में का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, करेक्ट। हम क्या करते हैं, वो दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है। अब ये लाइन को, ये जो लाइन है स्क्यू लाइन, इसको हमने क्या किया, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया। यहां पर ये जो दूसरी लाइन है उसको भी क्या किया, परपेंडिकुलर। तो ये लाइन दोनों को कैसी है, इक्यू लाइन इज अ परपेंडिकुलर फॉर बोथ द स्क्यू लाइंस। अब देखो यही अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्क्यू लाइंस के बीच की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्क्यू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती। ओके, अब देखो यहां पे जो पहली लाइन है इसका इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा वन इंटू बी वन वेक्टर। आपको यह मालूम थ्योरम नंबर वन से, करेक्ट। ए वन बोले तो द लाइन थ्रू, मतलब द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, वो आपको जो अपनी लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है उसके ये क्या है, पोजिशन वेक्टर। और बी वन वेक्टर क्या होता है, नथिंग बट वो लाइन को पैरेलल वाली जो लाइन है इसका पोजिशन वेक्टर। यहां पे दिखाया हमें इसे, ये ए वाला और ये वाला क्या है, बी वन, ये लाइन को पैरेलल, फर्स्ट वन। सिमिलरली फॉर सेकेंड वन ए टू,
आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्बडा टू इनटू बी टू वेक्टर। अब दोबारा ए टू क्या होता, यह लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है, नथिंग बट बी, उसका पोजिशन वेक्टर, एंड बी टू इज नथिंग बट ये लाइन को पैरेलल वाली लाइन, करेक्ट। अब बात ऐसी है, ये दोनों लाइन L1 एंड L2, ये दोनों स्क्यू लाइंस है, इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बोला कि वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों स्क्यू लाइन को एक लाइन हमने प्लॉट की जो दोनों स्क्यू लाइन को कैसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला, और वो जो डिस्टेंस रहता ना, वो डिस्टेंस निकालने का यह फॉर्मूला है, दैट इज इन मॉड ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बात खत्म हो गई, फिर आपने को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। ये एक बात समझ लेना, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन दैट इज नथिंग बट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ध्यान में रखो, परपेंडिकुलर। चलो तो आपको यहां से स्क्यू लाइन समझ में आया, करेक्ट, क्या कंडीशन ये समझ में आया, फॉर्मूला हमने देखा, स्क्यू लाइंस को डायग्राम से भी बताया। थोड़ा अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो वेक्टर फॉर्म में है तो वहां पे हमने वैसा कर लिया, अगर समझो कभी कभी पेपर में कार्टेशियन फॉर्म में देंगे, जैसा कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो ये क्या रहता है, टू स्क्यू लाइंस आर, फिर दोबारा दो लाइनें वो स्क्यू लाइंस ही है, मतलब दोनों नॉन कोप्लानर है, करेक्ट, दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है, बराबर है, नॉन पैरेलल है, ओके। पहले लाइन का इक्वेशन दिया x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एल वन, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी एम वन, जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई एन वन, एंड x माइनस एक्स टू बाई एल टू, वाई माइनस वाई टू बाई एम टू, एंड जेड माइनस जेड टू बाई एन टू। ध्यान में रहे, जब ये कार्टेशियन इक्वेशन देंगे, ये स्क्यू लाइंस के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे x1, y1, z1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट थ्रू विच दैट लाइन इज पासिंग, ये आपको मालूम, राइट, एंड l1, m1 एंड n1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू अवर गिवन लाइन, नथिंग बट b1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है ना, ये कौन से डायरेक्शन रेशियो है, b1 के, पहले की बात करेंगे। सिमिलरली फॉर दूसरे की सेकेंड लाइन जो है वो x2, y2, z2 पॉइंट से जाएगी और उसकी जो पैरेलल लाइन है, गिवन लाइन मतलब अपनी लाइन जो ये पॉइंट से जा रही है ना, उसको जो लाइन पैरेलल है उसके ये क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशियो, नथिंग बट b2 जो आपका लाइन है उसके वो पोजीशन वेक्टर से, डायरेक्शन वेक्टर से उसके वो लाइन के, बस। अब वही तो समझाया, देखो नीचे वही लिखा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन्स आर आर वेक्टर इक्वल टू ए वन प्लस लैम्बडा वन इंटू बी वन वेक्टर। अब बी वन वेक्टर कैसे निकालना, तो भाई इसको आई जे के से मल्टीप्लाई करो, ए वन कैसे निकालना, एक्स वन वाई वन जेड वन आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसको आई जे के से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली यहां पे भी आर वेक्टर इक्वल टू ए टू प्लस लैम्बडा इंटू बी टू वेक्टर, नथिंग बट ए टू निकालना है तो एक्स टू वाई टू जेड टू, ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसको आई जे के से मल्टीप्लाई करो, एंड ये जो b2 वेक्टर चाहिए तो l2, m2 एंड n2 उसके डायरेक्शन रेशियो है किसके, b2 वेक्टर के, तो उसको डायरेक्ट आईजे के से मल्टीप्लाई करें, वही करके दिया है a1, a2, b1, b2, सही, एंड देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो उसको आपको वेक्टर फॉर्म में करके लेना पड़ेगा, तो हमने वेक्टर में करके लिया, और आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तो क्या निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। समझ में आया क्या, अरे भाई ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये थ्योरम है फॉर कार्टेशियन के लिए, करेक्ट। पहला वाला जो देखा था वो हमने वेक्टर के लिए देखा था, पहला वाला जो फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला ए टू माइनस सेवन डॉट बी वन क्रॉस बी टू और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला जो अभी हमने देखा, नथिंग बट व्हाट, करेक्ट, बट यहां पे कार्टेशियन से आपको कन्वर्जन करना पड़ा, राइट। दूसरी बात, दैट इज दिस इज अगेन द अनदर फॉर्मूला, ये भी किसका फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट वो इक्वल टू लिया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ये फॉर्मूला है, राइट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो इन मॉड, फिर डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट फॉर्मूला ही है यह,
एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, वो तो समझ में आया कोऑर्डिनेट्स, आपके बी वन के डायरेक्शन रेशियो, बी टू के डायरेक्शन रेशियो एंड डिवाइडेड बाय। अब देखो डिवीजन में ये कैसे आता है मालूम, एक्चुअली आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, आपको मालूम है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, बराबर। बस इसमें थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला कैसे याद करना है हिंट बता दूं, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो हम डिलीट दिस रो एंड कॉलम लेते हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू एन टू दिख रहा है, माइनस एम टू इंटू एन वन दिख रहा है, उसका होल स्क्वायर कर देना, ओके। अब यहाँ पे जनरली सेकेंड वाले एलिमेंट को हम क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं, बराबर है। अगर आपने माइनस साइन लिया, समझो मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिया, ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं माइनस साइन लूंगा तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, फिर मैंने पहले प्रिंसिपल डायगोनल जाता हूँ, एल वन इंटू एन टू, बराबर है, एल वन इंटू एन टू माइनस, और फिर एल टू इंटू एन वन, समझ गए आप, और फिर हम लोग इसको इसका स्क्वेयर करना है, दैट इज द स्क्वेयर। बट ध्यान में रखो, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो एल टू एन वन पहले है, एल वन एन टू बाद में, तो उन्होंने इससे क्या कर दिया, एक माइनस साइन हमने पहले ही बाहर ले लिया और माइनस माइनस बिकम क्या हुआ, प्लस। तो ध्यान में रखना फॉर्मूला कैसे याद करने का वो बता रहा हूं। तो यहां से अगर माइनस कॉमन लेते तो अपना ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, इधर प्लस आएगा और फिर उसका क्या कर देना, स्क्वायर, करेक्ट। और ये तीसरा वाला सेम है, बाकी कुछ नहीं है, एलवन एम टू, एलवन एम टू एंड देन एल टू एम वन, मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करने का उसका स्क्वायर लेने का फॉर्मूला, ऐसे आप याद कर सकते हैं और कार्टेशियन, करेक्ट। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक बात है, आगे चलेंगे तो समझा दो, हाँ एक नोट जरा ध्यान में रख लेना, फिर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, बराबर है। अब लाइन अगर ये दो लाइंस है देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, अगर आपको करना है तो सीधा अभी जो फॉर्मूला देखा था ये तो डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे दो लाइन के इक्वेशन अगर आपको दिए और आपको बोला शॉर्ट दैट स्टेट वेदर दैट टू लाइंस आर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर और नॉट, ऐसे बोला तो कुछ करने का नहीं, इधर खाली ये x2 माइनस x1 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, ये आपने b1 के डायरेक्शन रेशो, ये b2 के डायरेक्शन रेशो, डिटरमिनेंट ले लो, इक्वल टू जीरो करो, अगर वो इक्वल टू जीरो आता है तो समझ जाना दो लाइन इंटरसेक्ट हो गए, और इक्वल टू जीरो नहीं आता तो समझ जाना कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुए नहीं। दूसरी बात, द लाइंस आपको ये दिया, दूसरी लाइन ये दिया, इंटरसेक्ट, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब होते हैं, जब उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता, इक्वल टू जीरो, नथिंग बट अभी जो हमने फॉर्मूला देखा ना उसको इक्वल टू किया तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जीरो होता, बराबर है। अगर आपको देखना ही है तो मैं एक दोनों में दिखा दू, एक मिनट, हाँ। अब देखो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला था आपने, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रहे तो अभी बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता, जीरो, अगर ये जीरो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, खाली न्यूमरेटर, अरे वही तो यहां भी सेम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो मल्टीप्लाई करे क्रॉस मल्टीप्लाई तो खाली क्या रहा, ए टू माइनस एवन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, वही तो समझाया है, देखो ना वही तो हमने यहां पर लिखा है, समझ में आया क्या, मतलब आपको कुछ नया याद करने का नहीं, खाली न्यूमरेटर लिख के इक्वल टू जीरो करो, न्यूमरेटर लिख के इक्वल टू जीरो करो, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन, चलेगा। तो स्क्यू लाइन का कंसेप्ट में इतना ही है, अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेके आपको समझाते हैं, चलेगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स। अब देखो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, आपको दो लाइन दिए हैं एंड उसने पूछा है कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाओ, कौन से फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, तो आप पहले पेपर में क्या करो, पहले फॉर्मूला लिख दो, मतलब वो उसको समझ में आना, एज वी नो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एज वी नो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस R vector is equal to a1 plus lambda into b1 vector and R vector is equal to a2 plus lambda into b2 vector is given by, और डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख, क्या फॉर्मूला बताया था, a2 minus a1 है ना, dot
बी वन क्रॉस बी टू, ए टू माइनस ए वन वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस, ये फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है, बराबर है ना, आपको मालूम है ये फॉर्मूला अभी हमने देखा है। तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, अभी पुट कर सकते क्या नहीं कर सकते, पुट हम डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं। समझ में आया क्या कैसे लिखा, बस बाकी का काम आपको कुछ भी करने का नहीं है, डायरेक्टली ये ऑपरेट करो फाइनल हो जाएगा। आप बोलेंगे सर लेकिन कैसे करना है ये तो बताइए। अब देखो यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, पहली वाली लाइन ये है, मैं जरा ऐसे लिख दूं यहां पे, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वन वेक्टर, एग्रीड आर नॉट। यहां पे लिखता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस यहां पे म्यू इंटू बी टू वेक्टर, जैसे लैम्बडा लैम्बडा वन लैम्बडा टू लिए क्या, यहां पे लैम्बडा वन लैम्बडा टू लिए क्या, नहीं तो यहां पे लैम्बडा वन लैम्बडा टू की जगह यहां पे कभी कभी म्यू लैम्बडा एंड म्यू अलग अलग वहां पे क्या देंगे, दैट इज नथिंग बट योर स्केलर मल्टीपल, है ना। तो यहां पे देखो आपको मालूम है हमने यहां पे वेल डिफाइन कर लिया, तो हम बोल सकते हैं गिवन इट प्रॉब्लम से सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डाटा, क्या लिखेंगे हम ए वन वेक्टर, ए वन वेक्टर क्या लिखेंगे टू आई, टू आई कैप माइनस जे कैप, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, ओके। फिर हम लोग क्या लिखेंगे ए टू वेक्टर लिख देंगे, ए टू वेक्टर क्या लिखेंगे दैट इज नथिंग बट आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, समझ में आया हमने कैसे लिखा। अब हम बी वन वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी वन वेक्टर को लिखेंगे टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, सही है। अब हम बी टू वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी टू वेक्टर को लिखेंगे टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस फाइव के कैप, बराबर। ये कैसे लिखा आपका समझ में आया, डायरेक्टली मैंने यही पे समझाया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, सही है। अब देखो यहां पे ये होने के बाद हम पहले क्या लिखेंगे, ए टू माइनस ए वन निकाल दो एंड देयरफॉर ए टू माइनस ए वन वेक्टर, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ए टू आई कैप माइनस टू आई कैप क्या लिखू, ए टू माइनस सेवन, आई में से आई माइनस करो, जे में से जे माइनस करो, के में से के माइनस करो, सो ए टू आई माइनस टू आई, तो इज इट माइनस आई कैप, यस माइनस जे, और माइनस माइनस बिकम प्लस जे, तो मेरे ख्याल से यहां पे लिखने की वैसे जरूरत नहीं, जीरो जे कैप बराबर है टू के कैप, और यहां पे तो के है ही नहीं, तो डायरेक्टली टू के कैप, दिस इज यूर ए टू माइनस सेवन, नो प्रॉब्लम। ये तो हमको मिल गया a2 टू माइनस ए वन, अब हमको क्या चाहिए b1 वन क्रॉस बी टू, ए टू माइनस ए वन को आप एक ब्रैकेट डाल दो ना यार बढ़िया से। नाउ अब हम क्या कर देंगे, हम b1 वन क्रॉस बी टू बना दें। अब देखो b1 वन क्रॉस बी टू कैसे बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझाया था आई जे के, आई जे के बराबर है, देन B1 वन क्रॉस बी टू, बी वन के पोजिशन वेक्टर टू वन माइनस थ्री और इधर टू वन माइनस फाइव, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, बी वन क्रॉस बी टू, इसको ऑपरेट करो ना यार आई कैप, आपको मालूम है डिटर्मिनेंट है बताने की जरूरत है, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, वन ने माइनस फाइव को मल्टीप्लाई किया तो माइनस फाइव माइनस, और ये माइनस इधर फॉर्मूला का, और ये माइनस थ्री माइनस माइनस बिकम प्लस थ्री, आई कैप हो गया। सेकंड वाले को माइनस जे कैप लिखते हैं हम लोग, माइनस जे कैप बोले तो डिलीट दिस रो एंड कॉलम, टू ने माइनस फाइव को मल्टीप्लाई किया तो माइनस टेन माइनस राइट, अब हम जे को निकाल रहे तो यहां पे टू ने माइनस टेन और देन टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव माइनस सिक्स और माइनस बिकम प्लस सिक्स, के कैप क्या लेते हैं हम लोग, टू वन जा टू, टू वन जा टू एंड माइनस टू वन जा टू, सो ये मेरे ख्याल से क्या है मालूम, माइनस टू आई कैप, ये माइनस टेन प्लस सिक्स कितना होता भाई माइनस फोर, माइनस माइनस बिकम प्लस फोर जे कैप, और ये इधर ही हमारे साइन रह गए दैट इज अ प्लस साइन प्लस, हाँ अरे ये तो वैसे भी लिखे तो यार जीरो के कैप है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गेटिंग इट और नॉट। ये अपना बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर,
बीवन उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, बराबर है। थोड़ा सा नेक्स्ट स्क्रीन को जाना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्क्रीन को जाएंगे हम लोग, अब जरा देखो बोर्ड पे। नेक्स्ट स्क्रीन को अगर आप चलते हैं तो आगे हमको क्या करने का, दिस इज योर विच वेक्टर, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर, है ना। देयरफॉर मैं ऊपर एक बार लिख दू, बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर आया, क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम है कैसे निकालते, इसके पहले वीडियो में ये समझा है, वेक्टर में एक बार देख लेना चाहिए तो। हाँ, दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड टॉपिक्स है। सो नथिंग बट हम बोल सकते हैं, अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, नथिंग बट माइनस टू आई कैप, माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप, प्लस फोर जे कैप प्लस जीरो के कैप। जीरो के कैप वैसे नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब इसकी क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड। सो नथिंग बट देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर इज इक्वल टू, क्या करना पड़ता है आपको मालूम है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और के का लिखने की जरूरत फिर भी नारा जरूरत लिख देंगे, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ट्वेंटी। ये आपका क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। बस अभी आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फॉर्मूला मालूम है एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल ए टू माइनस सेवन, कहां पे भाई ये क्या क्या लिखो फिर, ए टू माइनस सेवन लिखो या डायरेक्टली आप वहां पे भी लिख के या सेपरेट ऑपरेट करके भी वहां पे लिख सकते हैं, तो वहीं पे लिख देंगे। चलो माइनस आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस टू के कैप डॉट बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू क्या आया, माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस जीरो के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर, वो निकाल के रखा है अंडर रूट ट्वेंटी। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत होना नहीं, करेक्ट। अब हम ये फार्मूला को मिटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, सारा ऑपरेट हो गया, अभी हमने पूरा डाटा जितना चाहिए था उठा लिया वहां से, है ना। अब आप अगर इसको ऑपरेट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, देखो ना, इसको ऑपरेट करो फिर शॉर्टेस्ट एस डी बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान में रखना ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई ने आई को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बचा टू, है ना, जीरो ने इसको मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया, और उसने भी मल्टीप्लाई तो खाली, अरे ये तो जीरो ही आ गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ट्वेंटी। मतलब यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर आप बात करते हो तो वो क्या आया है, टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ट्वेंटी, बराबर है। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, ये हम इसको कैसा लिख सकते हैं यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू टू, ये ट्वेंटी को अगर आपको डायरेक्ट समझ में, तो मैं एक स्टेप बढ़ा दू, फोर फाइव जा, ऐसा लिख सकते क्या ट्वेंटी को, फोर फाइव जा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये चार अगर हमने बाहर लिया, सो मॉड निकाल सकते हैं, अभी हम चार स्क्वेयर रूट से बाहर निकालते, टू अंडर रूट फाइव, नथिंग बट टू टू गेट, और आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे आ रहा है वन बाय रूट फाइव, क्या लिखेंगे, यूनिट्स। ध्यान रखना ये प्रॉब्लम पेपर में 100% इस टाइप के प्रॉब्लम में आए तो आपको ऐसे सॉल्व करने का है, करेक्ट, वन बाय रूट फाइव यूनिट्स। ये एक बार बात को समझ लेना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है एक आधी बार, चलेगा, नो प्रॉब्लम, गो थ्रू इट वंस, दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। मतलब बहुत प्रोडक्ट लेके आपको इसको सॉल्व करना पड़ने वाला है। अब ये प्रॉब्लम वैसे डायरेक्ट था, हम और एक प्रॉब्लम देखेंगे इनडायरेक्ट, और एक दूसरी पैटर्न के लिए कार्टेशियन वाला भी देख लेंगे, तो आपको फिर दोनों में से बस वैरायटी, इधर नहीं तो उधर, नहीं तो किधर भी नहीं, दूसरी टाइप। चलो चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को जाएंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात आपको समझ में आए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम खाली कन्वर्जन कैसे करना है ये आपको समझ में आना है ना, एक बार अगर आपको कन्वर्जन समझ में आया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम चलेंगे अभी।
वाओ, देखो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको समझ में आया होगा, लाइन का फॉर्मेट देख के आपकी तबीयत खुश हो गई होगी। ये कार्टेशियन इक्वेशन में दिया है और आपको अभी इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा वेक्टर इक्वेशन, करेक्ट है। सो कैसे करेंगे फिर आप? अब आपको मालूम है एज वी नो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, समझो हमें लिया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्बडा वन इंटू बी वन वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस लैम्बडा टू इंटू बी टू वेक्टर इज गिवन ए बाय। और आपको मालूम है क्या फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? एस डी इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन वेक्टर क्रॉस बी वन, ए टू माइनस ए वन वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर। फॉर्मूला अभी हमें लिखा, आप बोलेंगे सर गड़बड़ ऐसी है, यहां पे ना तो वेक्टर इक्वेशन दिख रहा है और ना ही अपना ये दिख रहा है, क्या बी वन दिख रहा है बी टू दिख रहा है, ये कोई भी दिख रहे हैं, तो इसको कैसे कन्वर्जन कर लेंगे हम लोग? अरे भाई हो जाता है, अभी आपको मैं शॉर्ट में यहां पे समझाऊ, क्योंकि कैसा होता फिर वो टाइम ज्यादा चले जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली बताता हूं, चलेगा ना? अब देखो यहां पे कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, यहां पे ये कैसा हो गया देखो, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय आप क्या बोलते ए वन, राइट, यहां पे y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय बी वन और ये z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय क्या हो गया सी वन, समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय ए टू, y माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये बी टू एंड z माइनस जेड टू डिवाइडेड बाय क्या हो गया सी टू। आपको एक बात समझ में आ गई कि ये हमने कैसे लिखा, समझ में आया क्या नहीं आया आपको? नो प्रॉब्लम। अब जरा बोर्ड पे देखो, पेन इधर क्यों रखा, हाँ अब देखो यहां पे कन्वर्जन करना पड़ेगा और आपको मालूम है ये जो नीचे वाले बताते हैं ना डायरेक्शन रेशियो, ये पैरेलल लाइन के बताते हैं, नथिंग बट ये वाला डायरेक्शन रेशियो आप बी वन हो गया, ये वाला डायरेक्शन रेशियो किसका हो गया बी टू का। ए वन ए टू क्या है, ए वन ए टू आर द पॉइंट्स, पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स थ्रू विच अवर लाइन इज पासिंग। तो पहली लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है भाई, फर्स्ट लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है सी, फर्स्ट लाइन द लाइन क्या x माइनस वन, मैं डायरेक्ट यहां पे आपको समझना नहीं, एक जान दो, x माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, y माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री, मैंने पूरा लिख रहा हूं, z माइनस थ्री डिवाइडेड बाय फोर पासेस थ्रू द पॉइंट। भाई ये लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है, अब आपको बोला था कंपेयर करो x1 y1 z1 है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट हम लिख सकते हैं कौन से पॉइंट, मैं उसका पोजिशन वेक्टर वगैरह ए बोलू तो x1 का पॉइंट क्या है वन, y1 का क्या है टू और z1 का क्या है थ्री, पासेस थ्रू द पॉइंट वन टू थ्री, राइट। एंड वो लाइन का आपको b वेक्टर निकालना है एंड b1 वेक्टर एंड इट्स अ बी वन वेक्टर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूं ए वन इंटू आई कैप, सो क्या लिखू मैं टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप और आपको मालूम है प्लस फोर के कैप। आपको पहले भी बताया था ये नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो आप पैरेलल लाइन बताते थे रम वन, राइट। अब यहां से ये तो क्लियर हो गया यार, ये ए पॉइंट के अगर आपको मतलब पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो इसका हम पोजिशन वेक्टर बना सकते हैं, सो ए वन वेक्टर क्या आया आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, सही है। और आपका ये हमने पोजिशन वेक्टर डायरेक्ट बनवा लिया। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, अब यहां पे हम सिमिलरली बोलेंगे तो चलेगा ना, सिमिलरली ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है, दैट इज टू फोर एंड फाइव, राइट। एंड हम बोल सकते हैं सिमिलरली ए टू वेक्टर
कैसे लिखू मैं यहां पे 2i कैप बराबर देन 4j कैप एंड 5k कैप। समझ में आ रहा है कि आपको ये कैसे लिखा, हमने डायरेक्ट लिखा है कि आपको पॉइंट मालूम है कौन से लाइन से पॉइंट जा रही है, तो A2 वेक्टर क्या बताता है, वो लाइन का पोजिशन वेक्टर, फ्रॉम विच पॉइंट मतलब दैट लाइन पासेस थ्रू विच पॉइंट, उसका ये पोजिशन वेक्टर हो गया। एंड हम सीधा लिखेंगे यहां पे B2 वेक्टर क्या लिखेंगे, आपको मालूम है इसको ij कैसे मल्टीप्लाई करो, सो क्या लिखो 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 5k कैप। मेरे ख्याल से क्लियर इतना होना चाहिए फॉर्मूला हमने लिखा। पॉइंट जिस पॉइंट से वो लाइन जा रही उसको पहले तो बोलो a1 वेक्टर, उसको ij कैसे मल्टीप्लाई करो, तो ये सब प्लस है, सो ये यहां पे माइनस और माइनस मिला के मतलब ये डायरेक्ट सेम साइन है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3। सो यहां पे क्लियर किया आई कैप जे कैप 3k कैप और ये नीचे वाला बताता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ यूर पैरेलल लाइंस। ओके ये क्लियर हो गया, बस बाकी का काम कुछ भी रहा नहीं अभी आपको A2 - A1 वेक्टर बनाने का, फिर दोबारा वही एंड देयर फॉर A2 - A1 वेक्टर क्या आएगा, देखो ये A2 है ये A1 है, 2i - i, आई कैप क्या 4j - 2j तो दैट इज अ प्लस 2j मेरे ख्याल से, बराबर है ना A2 - A1, सो ये आई कैप ये 2j कैप और ये प्लस 5 - 3 तो प्लस 2k कैप। ये तो अपना A2 - सर पेपर में ऐसा डायरेक्ट लिखा तो चलता है क्या, बिल्कुल चलेगा, और डायरेक्टली हमें यहाँ पे A2 A1 को मेंशन किया है ना, तो क्या प्रॉब्लम है। अब हमको क्या जाना है B1 क्रॉस B2 वेक्टर, हमारे पास B1 B2 तैयार है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को मिटा दू, ये समझ में आया कन्वर्जन कैसे किया, थ्योरी में तो समझाया था प्रॉब्लम भी लेके समझा रहा राइट, ये थोड़ा सा मैं मिटा दू, अपने को जगह चाहिए ना। अब देखो अपने को जगह क्रिएट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम एक काम कर सकते हैं। हाँ A2 - A1 तैयार हो गया, B1 क्रॉस B2 बनाना पड़ेगा। नाउ टू फाइंड B1 क्रॉस B2, फॉर्मूला में B1 क्रॉस B2 है ना, सो B1 क्रॉस B2 वेक्टर आपको मालूम है कैसे बनाते हैं, दैट इज i j k। B1 वेक्टर क्या है भाई अपना, उसके डायरेक्शन रेशियोस लिखने हैं 2 3 4, दैट इज नथिंग बट 2 3 4, और ये B2 का क्या है 3 4 एंड 5। समझ में आया, अब ये B1 क्रॉस B2 तो बना सकते हैं ना आप, आराम से बना सकते हैं B1 क्रॉस B2। हाँ करो डायरेक्ट आई कैप 3 ने 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 करें, 15 4 4 = -16, सेकेंड वाला -j कैप, ये समझ में आया 5 3 = 15 4 4 = -16, जे कैप 2 - 4 2 5 = 10 एंड देन 3 4 = -12 प्लस के कैप, क्या लिखने का के कैप 4 2 = 8 - 9, सी 8 - 9, और मेरे ख्याल से ये क्या आया मालूम 15 - 16 - i कैप चलेगा, 10 में से 12 गया तो -2 - - बिकम प्लस 2j कैप है ना, एंड दैट टू -k कैप करें, यस ये आपका आया B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अब फॉर्मूला तो आपको मालूम है दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ B1, हम पहले मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर बना लेते, मैं फॉर्मूला रब कर दूं अभी राइट ओके। अगर हमने फॉर्मूला को रफ कर दिया और आगे कैलकुलेशंस किए तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है, नो प्रॉब्लम सॉरी ये प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, थोड़ा सा लेंदी है बट आपको मार्क्स जरूर देंगे, 3-3 मार्क्स मिनिमम 3 मार्क 4 मार्क सेक्शन सी या सेक्शन डी में आएगा तो पूरता ही है। आप देखो देर फॉर मैं दोबारा लिखो B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या आया अपना, ये आया -i कैप + 2j कैप - k कैप, सही है, ये मेरा B1 क्रॉस B2 आया। अब देर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर लग रहा है नथिंग बट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 बराबर है, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, नथिंग बट अपना B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या आया मालूम, अंडर रूट 6। समझ में आया क्या,
बी वन ए क्रॉस बी टू वेक्टर अपना कितना आया अंडर रूट सिक्स। आप मेरे ख्याल से सारे वैल्यूज आपको मालूम है, हम फार्मूला में खाली पुट करने का है, उससे अपने को डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फार्मूला बताया था अभी आपने, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन ए क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन ए क्रॉस बी टू। सही है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एंड देयरफॉर ये थोड़ा मेरे कैसे, हाँ ये ए टू माइनस सेवन लग रहा है ना, एक मिनट यहां से ले लो, इसलिए रखा है हमने। ए टू माइनस सेवन क्या है, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, ये हमने पहले निकाला था ए टू माइनस सेवन, बराबर है। अब यहां से डॉट में बी वन क्रॉस बी टू तो तैयार है अपने पास, ये अपना बी वन क्रॉस बी टू है, कर लो क्या है उसको, ये लिख दो माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या है वी वन क्रॉस बी टू का अंडर रूट सिक्स। मेरे ख्याल से डाटा समझ में आया, कार्टेशियन में दिया था उसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट करके लिया, और फिर अभी हम लोग इसका फुल एंड फाइनल आंसर के लिए जा रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले डॉट प्रोडक्ट ले लिया दोनों का, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता, आई ने आई को मल्टीप्लाई करे सो माइनस वन, जे ने जे को मल्टीप्लाई करे प्लस फोर और के ने प्लस माइनस माइनस टू एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिक्स, नथिंग बट इसको थोड़ा सा ऑपरेट कर लिए तो ये कितना होगा यार, फोर में से तीन माइनस थ्री गया तो वन बाय अंडर रूट सिक्स, राइट। सो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आया फिर, वन अपॉन अंडर रूट सिक्स। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। सी बहुत ही क्लियरली लिखा है, एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन अपॉन अंडर रूट सिक्स यूनिट्स, दोनों प्रॉब्लम प्रिपेयर करो, मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो आपको अगर ये मेथड और थ्योरम मालूम है तो आराम से आप इसको पास कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं, करेक्ट। हम एक एक पॉइंट लेके उसके ऊपर थ्योरम समझा रहे और थ्योरम समझा के आपको फिर उसके न्यूमेरिकल लेके तुरंत क्लियर कर दे रहे, तो प्रॉब्लम नहीं आए, चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो विद दिस वी कंक्लूड अवर दिस लेक्चर, ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे, आप आराम से गो थ्रू इट। अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, चलेगा। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे वीडियोस डालने वाले हम लोग, पार्ट वन पार्ट टू ऑल टॉपिक्स, करेक्ट, सो इंपॉर्टेंट वाले, और इसके बाद हम पेपर सॉल्यूशंस भी डालने वाले हैं, रिसेंट पेपर्स के पेपर सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे लाइव में, मतलब ऐसा पूरा डायरेक्टली आपको वीडियोस के साथ उसको हम डिटेल में बात करें, चलेगा, चलो नो प्रॉब्लम। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस लेक्चर, थैंक यू।